नेशनल हाईवे स्थित शाहपुर ब्लॉक मुख्यालय पर पेट्रोल पंप पर बुधवार की रात कार में सवार होकर आए युवक और डीजल डलाकर बिना पैसे दिए ही भोपाल की ओर फरार हो गए। बता दें कि पेट्रोल पंप के संचालक राकेश गुप्ता ने शाहपुर थाने में आवेदन देकर यह बताया कि देर रात करीब 12 बजे उनके पेट्रोल पंप पर सेवरेज क्रूज कार से दो युवकों द्वारा पूछा गया कि कैश पेमेंट मिल जाएगा, जिस पर कर्मचारी द्वारा मना करने पर वाहन में बैठे व्यक्ति द्वारा अपनी गाड़ी में डीजल भरने के लिए कहा गया। पेट्रोल पंप के कर्मचारी के द्वारा वाहन में डीजल डाला गया और जब पेट्रोल के पंप के कर्मचारियों ने रुपए मांगे तो उनके द्वारा फर्जी स्क्रीनशॉट कर्मचारियों को दिखाया गया, परंतु खाते में पैसे नहीं आने पर जब कर्मचारियों ने पूछताछ की तो कार चालक द्वारा चाकू बताकर गाड़ी स्टार्ट कर बिना पैसे दिए ही भाग गए। कार चालक के भागते ही पेट्रोल पंप के कर्मचारी द्वारा उसका पीछा करने लगे, लेकिन वह पकड़ में नहीं आए, जिसका आवेदन पेट्रोल पंप के चालक द्वारा शाहपुर थाने में दिया गया था। शाहपुर पुलिस के द्वारा वाहन नंबर MP16C7567 से जांच करने के बाद सोमवार की देर रात वाहन में सवार राजा मिश्रा पिता लोकेश मिश्रा और केशव सतोले दोनों निवासी भोपाल के खिलाफ शाहपुर थाने में धारा 307-35 VNS के तहत मामला दर्ज किया गया। बता दें कि वाहन में सवार उक्त दोनों युवकों को गिरफ्तार कर शाहपुर पुलिस के द्वारा जिला न्यायालय में पेश किया गया है। जानकारी के अनुसार बता दें कि शाहपुर ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित पेट्रोल पंप से डीजल डलाकर बिना पैसे दिए कार सवार दो युवकों को शाहपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर आज जिला न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।